दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, इंडिया ने हमेशा से ये कोशिश करी है कि वे हर फील्ड में सबसे आगे और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना रहे। इसी कोशिश में इंडिया के हर फील्ड में कोई ना कोई एडिशन या मॉडिफिकेशन होती ही रहती है, खास करके डिफेंस के फील्ड में। और अब एक बार फिर से इसी कोशिश के चलते इंडियन डिफेंस एरिया में एक नई मॉडिफिकेशन होने जा रही है। आप में से कुछ लोग लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के बारे में जानते ही होंगे। जो नहीं जानते, लॉकहीड मार्टिन एक ऐसी अमेरिकन कॉर्पोरेशन है जो एरोस्पेस, आर्म्स, डिफेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है। डिफेंस डिपार्टमेंट की रिसेंटली हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स कॉर्पोरेशन को $7.6 बिलियन के बड़े अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन मोटिव है लॉट 15 के 129 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करना। इस दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट का आधे से ज्यादा काम टेक्सास में होगा और बचा हुआ काम कैलिफोर्निया और यूनाइटेड किंगडम्स में किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि लॉकहीड मार्टिन को ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इससे पहले भी ये कॉर्पोरेशन काफी बड़ी बड़ी डिलीवरीज कर चुकी है, जिसमें से एक थी 800 से भी ज्यादा F-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी। इसी तरह से अब जो ये करंट डिलीवरी आएगी, अब तक का 14th बैच होगा। अब अगर हम लॉकहीड मार्टिन से आई F-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी, जो कि उसकी सबसे पहली डिलीवरी थी, उसको और अब आने वाले करंट 14th बैच को कंपेयर करें, तो अब तक का डिफेंस डिपार्टमेंट के टॉप कॉन्ट्रैक्टर में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। पर इनके साथ आने वाली एक प्रॉब्लम ये है कि जब इनिशियली ये वॉर प्लान चेक करे जाते हैं तो इनमें कोई क्वालिटी एश्योरेंस डिफेक्ट्स नहीं होते। पर एक बार जब इनकी फॉर्मली एक्सेप्टेंस हो जाती है तो उसके बाद क्वालिटी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। F-35 फाइटर जेट्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वॉर प्लेन है। इस फाइटर जेट की डिमांड रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से तो और ज्यादा बढ़ गई है। जुलाई में एक ऐसी खबर भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि यूएस ने अपने F-35 ग्राउंडेड कर दिए हैं, पर बाद में यूएस नेवी की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट ग्राउंडेड नहीं करे गए हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड से भी लॉकहीड मार्टिन को फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर मिले हैं। लॉकहीड मार्टिन की सप्लाई F-35 इक्विपमेंट्स की इतनी डिमांड के चलते F-35 प्रोग्राम को कभी किसी और फाइटर जेट की ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे ऑलरेडी इतने एक्सेप्शनल और कैपेबल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।